हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमन एंड वेलकम टू माय चैनल इन्फो नॉलेज हब। और ये वीडियो मैं क्लास नाइन्थ सेल वाले लेसन से लेके आई हूँ। इसके पहले मैंने 6 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है, न्यूक्लियस तक हमने देख लिया था। तो आप बाकी पीछे के वीडियोस आप देखेंगे तो आगे का आपको समझ में आएगा कि आगे मैं क्या पढ़ाना चाह रही हूँ। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन वी विल डू एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, आफ्टर दैट वी विल डू मींस नोट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो एंड गूगल शीट आई विल प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ इवेल्युएशन। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन सेम प्लेटफॉर्म, सेम चैनल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से क्या होता है और लाइक से कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम मोटिवेट होते हैं और ऐसा लगता है कि वट एवर वी आर मेकिंग फॉर आवर सोसाइटी मीन्स वट एवर आई एम मेकिंग फॉर माई सोसाइटी, तो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो चलिए फिर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे कंटेंट की तरफ जाएंगे। और एक चीज, हाँ, मेरा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप भी है, तो ग्रुप में आप आ सकते हैं। आप उसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे मैंने दे रखा है। तो चलिए फिर सीधे हम स्क्रीन शेयरिंग की तरफ चलते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमने प्रोकैरियोटिक सेल के डायग्राम तक देख लिया था। अब हमारा अगला है आपको, मैं थोड़ा सा नेक्स्ट हमारा है आपको साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम हेडिंग है हमारा साइटोप्लाज्म, और इसके पहले हमने सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी एक्टिविटी थी जो मैंने आपको हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए करके दिखाया था। और अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप कभी इस चीज को नहीं भूलेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक में क्या रिएक्शन होता है, सेल का कैसे उसमें फंक्शन करता है। तो चलिए हम साइटोप्लाज्म की तरफ चल रहे हैं। व्हेन वी लुक द टेम्पररी माउंथ ऑफ अनियन पील, बार बार ये अनियन पील की बात आ रही है क्योंकि हमने जब माइक्रोस्कोप में देखा था अनियन पील को ही देखा था, और उसके बाद ह्यूमन चिक सेल्स निकाला था। ह्यूमन सेल्स के लिए ह्यूमन चिक सेल लिया था, अनियन पील लिया था प्लांट सेल के लिए। We can see a large region of each cell encloses by a cell membrane. हमने देखा कि cell membrane, मैंने बार-बार आपको cell membrane एक boundary है जो कि cytoplasm और cell के अंदर के organelles को बाहरी environment से separate करता है। ये मैंने कई बार बताया है, आप इसमें confuse नहीं करेंगे। तो जब हमने ये देखा तो हमने क्या देखा कि बहुत सारा हमारा area जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। दिस रीजन टेक्स अ वेरी लिटिल स्टेन, और वहां पे स्टेन जब हमने डाला, जो भी हमने स्टेन मिथाइल ऑरेंज या आयोडीन से टेस्ट किया तो वहां पे हमारा बहुत कम हुआ। इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, और उस एरिया को हमने क्या बोला, साइटोप्लाज्म। आगे देखेंगे, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, इज द फ्लूइड। फ्लूइड जो मैंने बार बार बताया है कि आप जब मैं सेल की बात बोलूं तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्या डालेंगे, आप डालेंगे कि एक कंटेनर में, एक बाउल में, क्लोज बाउल में हमने क्या लिया है, कस्टर्ड लिया है। कस्टर्ड में क्या होता है, मिल्क का फ्लूइड होता है, उसके अंदर हमने फ्रूट डाला है, ढेर सारे फ्रूट अलग अलग हमारे सेल ऑर्गेनिल्स का काम कर रहे हैं। तो आप उससे याद, तो वो जो फ्लूइड वाला पार्ट है, जो दूध वाला पार्ट है हमारा, उसका आपको हमारा जो कंटेनर में हमने लिया था तो उसको हमने नाम क्या दिया, इसको साइटोप्लाज्म। इसको समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि कस्टर्ड में जो लिक्विड पार्ट है इसको बिल्कुल सेल के साइटोप्लाज्म की तरह है। फिर आगे, इट आल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स। अब उस साइटोप्लाज्म में क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिल्स है। जैसे कस्टर्ड में आप तरह तरह के फ्रूट्स डालते हैं, आपने एप्पल डाल दिया, एप्पल का पीस डाल दिया, आपने चीकू का पीस डाल दिया, आपने बनाना का पीस डाल दिया, इसी तरह इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे अलग अलग स्पेशल सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनिल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल, और हर ऑर्गेनिल्स स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसमें सारा आपको अंडरलाइन नहीं करना है, जैसे व्हाट इज साइटोप्लाज्म को अंडरलाइन कीजिए, ये मैं पढ़ाने के लिए आपको बताते जाती हूँ ताकि आप हाइलाइटर यूज करने से आपका ध्यान रहे कि मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ। अगला है हमारा, सेल ऑर्गेनिल्स आर सेल ऑर्गेनिल्स आर इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनिल्स किससे होता है, मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है, वो मेम्ब्रेन हमारा सेल मेम्ब्रेन था। इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स जिसमें कि अच्छे से सेल नहीं होता है, न्यूक्लियस अच्छे से नहीं होता है,
बिसाइड द एब्सेंस ऑफ ए डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन. मैंने अभी आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल, इसका पीछे वाला वीडियो देखेंगे जिसमें कि न्यूक्लियर रीजन जो है वो अच्छे से डिवाइडेड नहीं है, कोई उससे बाउंड्री नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है. द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल आल्सो एब्सेंट. प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है. ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोट लाइक अस सेल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोजेस ऑर्गेन. मींस कि आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हमने पेन में निकालती हूँ, मान लीजिए कि हमने जो है एक हमने ये सेल लिया, ठीक है, एक हमने सेल लिया, ये आउटर मोस्ट हमारा क्या है, ये एनिमल सेल लिया. अगर प्लांट सेल लेंगे तो इसके आउटर मोस्ट ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है. क्या है? सेल मेम्ब्रेन. इसको हमने बोला सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. अगर प्लांट सेल लेंगे तो ये उसके बाहर भी क्या होगा, हमारा सेल वॉल होगा. प्लांट सेल अगर हमने लिया तो यहाँ पे सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा. लेकिन अगर एनिमल सेल लेंगे तो ये सेल वॉल नहीं होगा उस, ठीक है. तो हमने सेल मेम्ब्रेन लिया, इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जो फ्लूइड है वो हमारा साइटोप्लाज्म है. अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो है तैरते रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक फ्रूट इन द कस्टर्ड, ठीक है. और हर ऑर्गेनेल्स का अपना अपना बाउंड्री होता है, हर ऑर्गेनेल्स अपना अपना बाउंड्री रखता है, अपना अपना मेम्ब्रेन रखता है, इसने भी रखा, इसने भी रखा. जैसे अगर आप ऑरेंज आप कस्टर्ड में जा रहे हैं तो ऑरेंज की एक बाउंड्री होती है, उसके अंदर ऑरेंज के पीसेस होते हैं, पर ऑरेंज की भी बाउंड्री होती है. जब आप ग्रेप डालते हैं तो ग्रेप के ऊपर भी उसकी बाउंड्री होती है. तो हर ऑर्गेनेल का अपना अपना बाउंड्री होता है. तो ये यूकैरियोटिक में है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता. तो इसको हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे. फिर उसके बाद क्या है, ये यूकैरियोटिक की बात हो रही है. द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेम्ब्रेन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ वायरसेस. वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन. आपको पता है वायरस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ अंटिल दे एंटर इन अ लिविंग बॉडी एंड यूज इटसेल्फ. वायरस का आपको फंक्शनिंग शायद ना पता हो, पर वायरस का अपना को जो है membranes, any membranes उसमें नहीं होता है, ठीक है. तो उसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का माना जाता है. बट जैसे ही वो आपकी बॉडी में एंटर करता है, कैसे आप अगर सांस लेने में या खाने के साथ या ब्लड के साथ कैसे भी एंटर कर गया, तो आपके सेल को कॉपी करने लगता है और अपना ग्रो करने लगता है, और लिविंग बॉडी यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, ठीक है. हमारे बॉडी के सेल्स को, हेल्दी सेल्स को कॉपी करके और क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है. इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, फिल द गैप इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन में लिखेंगे नॉट मींस की डेफिनेट, मतलब कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट होता है, ठीक है. और इसको न्यूक्लियाइड एंड नोन एज न्यूक्लियाइड बोलते हैं, जैसे आपको पीछे मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आप उसको स्पेलिंग वगैरह आप उसका देख लेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ. उसको हमने क्या बोला, उसको हमने न्यूक्लियाइड बोला. आपको स्पेलिंग के लिए मैं नीचे ले जा रही हूँ. तो हमारा ये था, ये हमारा स्पेलिंग है न्यूक्लियाइड का, ठीक है. तो ये हम लिखेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं. इसको फिल करना है, उसके बाद जो है क्रोमोसोम सिंगल मोर देन वन, ये तो फिल है. मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है, यहाँ लिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो यहाँ हम ऐसे फिल कर लेंगे. बिल्कुल इसके अपोजिट जो है यूकैरियोटिक में होता है, तो हमें ज्यादा कुछ इसमें नहीं सोचना. अब हमारा अगला है सेल ऑर्गेनेल्स. अब हमने साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है. साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा सेल का ऑर्गेनेल्स है. तो देखिए कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है हमारे पास. पहला एवरी सेल है जो मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. आपको पता है कि हर सेल के पास अपना सेपरेट मेम्ब्रेन होता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बोला, ठीक है. जैसे कि आप ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, पेन आपको निकाल के दिखाना चाह रही हूँ कि आप ये देख सकते हैं एनिमल सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें कि इसके डिफरेंट पार्ट को दिया गया है. ये साइटोप्लाज्म है, आपने बताया साइटोप्लाज्म, जैसे कि हमने बार बार मैं बोल रही हूँ कस्टर्ड में जो मिल्क है वो साइटोप्लाज्म है, और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स
प्रेजेंट है, जैसे गॉल्जी एपरेटस है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बोलते हैं दो तरीके का, रफ एंड स्मूथ। न्यूक्लियर इनवेलप है, न्यूक्लियस को जो कवर कर रहा है। इसके बाद साइटोप्लाज्म तो हो गया, राइबोसोम है, इसपे लाइसोसोम है जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, सेंट्रियोल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला हमने, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा है। तो हम देखे हैं पहले सेल ऑर्गेनिल्स का, हम देख ले क्या है, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल इंक्लूडिंग सेल फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो फिर इसको मैं क्लियर करूं, अब मैं फिर से इसको हाईलाइटर ओपन करना चाहूंगी। उसके बाद क्या है आपका, टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर दीज सेल यूजेस मेम्ब्रेन बाउंडेड लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक्स। हर के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड है। देखिए जैसे कि आपको ये भी देख रहे हैं, इसमें भी आपके बाहर में मेम्ब्रेन है, तो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉम प्रोकैरियोटिक, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिल्स हैं साइटोप्लाज्म में सेल्स के, उसमें मेम्ब्रेन होता है जो उसको साइटोप्लाज्म ये साइटोप्लाज्म से उसके अंदर का जो पार्ट है उससे सेपरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यूकैरियोटिक का है, प्रोकैरियोटिक में ये एब्सेंट होता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत सारे ऑर्गेनेल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हमें वो, ऐसे तो सारे कुछ हम जो है माइक्रोस्कोप से ही दिखेगा, बट बहुत सारे और भी ज्यादा रेजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से दिखेगा। वी हैव टॉक अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन, हमने न्यूक्लियस का पढ़ा था इसके पीछे वाले वीडियो में। सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको अंडरलाइन कीजिए। दूसरा गॉल्जी एपरेटस या गॉल्जी बॉडी या गॉल्जी एपरेटस, इसको लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ठीक है, ये पांच के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमें पांच का है, गॉल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। प्लास्टिड तो आपको प्लांट सेल में है, तो दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शन इन सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम चाहेंगे कि इसको कवर करें। ये दिस इज लिटिल लेंदी, तो हम इसको फिर अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thanks, thank you for watching.